नमस्कार, मैं अभिषेक कुमार और आप हैं बिहारी न्यूज के साथ। और अभी की जो बड़ी खबर है उसके हिसाब से प्रशांत किशोर क्या जेडीयू को बाय बाय करने वाले हैं या ये नीतीश कुमार की कोई और चाल है, इसको समझना पड़ेगा। नीतीश कुमार आखिर किस समीकरण के तहत प्रशांत किशोर, जो कि अभी ममता बनर्जी के साथ मिले हैं और उनको जिताने का भरोसा दे चुके हैं। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने लोकसभा चुनाव में मिले निराशाजनक परिणाम के बाद विधानसभा चुनाव के लिए अपनी कमर कस ली है। साल 2021 में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए ममता बनर्जी और चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर में एक डील हुई है। प्रशांत किशोर अब ममता बनर्जी के लिए चुनावी रणनीति बनाएंगे। बता दे कि प्रशांत किशोर ने हाल ही में आंध्र प्रदेश में जगन मोहन रेड्डी को मुख्यमंत्री पद तक पहुंचाने में अहम भूमिका निभाई थी, उनके लिए काम कर चुके हैं। प्रशांत किशोर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए भी काम कर चुके हैं। कोलकाता में 2 घंटे की बैठक के बाद ममता बनर्जी और प्रशांत किशोर के बीच इस बात पर सहमति बनी है। प्रशांत किशोर अगले महीने से ममता बनर्जी के लिए काम शुरू करेंगे। प्रशांत किशोर अभी जेडीयू में नंबर 2 के नेता हैं। वे पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं। ऐसे में कई तरह की अटकलें लगाई जा रही है। प्रशांत किशोर ने दीदी से इस मुलाकात के बाद मीडिया से बातचीत में कहा कि ममता बनर्जी से उनके पुराने रिश्ते हैं, उनके लिए जो भी मदद हो सकेगा वे करेंगे। दीदी से इस मुलाकात के बाद माना जा रहा है कि प्रशांत किशोर बंगाल के विधानसभा चुनाव में तृणमूल कांग्रेस के लिए चुनावी रणनीति बनाएंगे। वहीं जेडीयू ने कहा कि किसी कंपनी के माध्यम से काम करना व्यापार है, व्यापार के तहत कोई भी किसी के लिए योजना बना सकता है और काम कर सकता है। वहीं आपको बता दें कि प्रशांत किशोर की एक कंपनी है जिसका नाम है आईपैड। इसके तहत वे विभिन्न राजनीतिक दलों और नेताओं के लिए चुनावी रणनीति का काम करते हैं। ये बात अब देखने वाली होगी कि भविष्य में क्या प्रशांत किशोर ममता बनर्जी को फिर से बंगाल की सत्ता दिला पाएंगे या कुछ और होने वाला है, ये आगे देखने वाली बात है। वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। धन्यवाद।